हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ मैंने अपना ब्लॉग शाम से शुरू किया है। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और पीहू को दे दिया है मैंने एक गिलास पानी, उसमें चीनी डाल के दे दिया है। तो पीहू अपना रूह अफ़ज़ा खुद ही बनाती है, तो यहाँ पीहू रूह अफ़ज़ा बना रही है अपने लिए और मेरी यहाँ पे देखिए चाय उबल चुकी है और ये लेट ही आए हैं तो अपने लिए ही बनाई है मैंने एक कप। मैं रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं पीती हूँ, मैं अपने लिए शाम को चाय ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बच्चों के लिए। एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने शाम से शुरू किया है। भाभी की चल गई है ऑनलाइन क्लासेस, 9 बजे से स्टार्ट होती है उसकी, 1 बजे तक चलती है। तो पूरा दिन फोन उसी के हाथ में रहता है, तो फिर नहीं टाइम मिला मुझे कोई ब्लॉग बनाने का, तो इसी वजह से मैं शाम से ही शुरू कर रही हूँ आज। और बस आज ये मैंने ब्लॉग में, जब से मैंने ब्लॉगिंग की है पहली बार ये सूट पहना है और मुझे नहीं है ये पसंद बिल्कुल भी सूट, लेकिन क्या करें पहनना पड़ता है क्योंकि इसमें है कॉलर। ये देखिए कॉलर, और मैंने इसको ऐसे पलट रखा है, ये इस तरह से है, और मुझे कॉलर वाले सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ऐसे पलट रखा है मैंने इनको। ऐसे ही पलटती हूँ तो इसी वजह से ये ऐसे हो रखे हैं। तो कलर तो इसका बहुत प्यारा है, पिंक कलर है, लेकिन जो कॉलर है इसी वजह से ये पसंद नहीं है। और मैं पहनती हूँ फिटिंग के सूट तो ये थोड़ा लूज है, तो फिर मैंने इसको छेड़ा भी नहीं, जैसा है ठीक है अपना पहन लूँगी। तो पहली बार ये मैंने पहना है जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मैंने निकाल ही लिया ये जब मैंने अलमारी की सफाई की थी, तो तब मुझे ये दिख गया, तो मैंने सोचा चलो निकाल लेती हूँ। और इस पर ज़्यादा कढ़ाई वगैरह नहीं है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे ये फ्लावर बने हुए हैं नीचे की तरफ, और ये बटन है, और ये प्लाजो पे भी फ्लावर बने हुए हैं। तो ये देखिए, बस ज़्यादा प्रिंटेड नहीं है इसमें, एक फ्लावर यहाँ पे है बस, ज़्यादा नहीं है, जो भी कुछ है यही है। और मैं कम ही कढ़ाई वाले पहनती हूँ, ये वाला सूट रेडीमेड है, प्लाजो वाला सूट है, रेडीमेड है। तो वैसे तो देखने में जब अच्छा लगा था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है। मतलब इसमें जो कॉलर है ना, ये कॉलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं कॉलर वाले सूट बहुत कम पहनती हूँ। तो चाय मैंने पी ली है और बच्चों ने पिया है रूह अफ़ज़ा, और मैंने की थी कल कुछ शॉपिंग जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इसी ब्लॉग में। तो पहले बना लेती हूँ सब्जी क्योंकि फिर ये आ जाएंगे, तो सब्जी जब बनानी ज़्यादा ज़रूरी है। और कटहल की सब्जी बनाऊंगी आज, और मिर्च भी छौंकनी है क्योंकि मिर्च ख़त्म हो चुकी है, तो मिर्च भी छौंकूंगी, दिन में अच्छी लगती है छाछ वगैरह के साथ। तो चलिए अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे बैठी बैठी सब्जी काट रही हूँ, और मैं इस कमरे में आ गई थी क्योंकि किचन में खड़े खड़े वैसे ही पैर दर्द हो जाते हैं, तो मुझे हरी मिर्च भी काटनी थी और कटहल की सब्जी भी काटनी थी। और कटहल की सब्जी में लगती है मेहनत, टाइम लगता है कटहल काटने में, तो हरी मिर्च तो यहाँ पे मैंने बैठी बैठी ने काट ली थी, कैंची से काटी है लंबी लंबी, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन कटहल में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने हाथों में सरसों का तेल लगा लिया है क्योंकि कटहल बहुत ज़्यादा चिपकती है। तो बस अब मैं यहाँ पर बैठी बैठी कटहल ही काट रही हूँ, और इसके बीज भी मैंने निकाल लिए थे साफ करके, तभी उसमें कट किए हैं। तो यहाँ देखिए मेरी कटहल कट चुकी है, और ये मैं मिक्सी में पीसूंगी। प्याज ली है, 2 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च और खड़ा मसाला लिया है, तेज पत्ता और 2 इलायची, 3-4 काली मिर्च और 2 लौंग है उसकी, क्या बोलते हैं, लहसुन की, और 1 है
अदरक। तो बस यहाँ पे मैं मिक्सी जो जार है उसमें डाल लूँगी, प्याज कट कर लूँगी। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मिक्सी में पीस के ही बनाऊँ, सिंपल तरीके से भी बनाती हूँ, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी बना देती हूँ। तो टमाटर मैं अलग काट के रखूँगी, वो अलग से पीसूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। आजकल मैं तो सरसों का ही तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं रिफाइंड भी बनाती थी, लेकिन ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं रिफाइंड, ये सरसों का तेल ले आए हैं। तो आजकल मैं सब्जी सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, और सब्जी वगैरह मैं सरसों के तेल में ही पहले बनाती थी, फिर बीच में बंद कर दिया। तो यहाँ पे मेरा तेल हो चुका है, और उसमें मैंने डाल दिए थे उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और खड़े मसालों में मैंने तेज़पत्ता, और थोड़ी सी एक दालचीनी का टुकड़ा था, और एक इलायची थी, दो लौंग थी, और चार थी काली मिर्च। तो बस यही था खड़े मसाले में। वो सब डालने के बाद मैंने इसमें ये डाल दिया है छौंक। तो छौंक होने के बाद मैंने इसमें मसाले डालने हैं, नमक, हल्दी और मिर्च है, और हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, हरा धनिया नहीं, धनिया पाउडर है जो मैंने घर में ही बनाया हुआ है। तो बस मैंने अब इसको अच्छे से चला लिया है, सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है कटहल, तो सूखी ही बनाऊंगी, और सूखी ही अच्छी लगती है। और उस तरफ रखा हुआ है, छोटी कढ़ाई रखी हुई है, क्योंकि इसमें चौंकनी है मुझे मिर्च। तो वैसे तो मैंने आप सभी के साथ रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन दोबारा से भी कर दूंगी। तो बस मैंने तेल इसमें डाल दिया था, तेल होने के बाद मैंने इसमें सौंफ और मेथी डाली है, थोड़ी सी डाली है हींग, और सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ ये भी। तो बस अब इसमें मैंने डाल दी है हरी मिर्च, और इसमें फिर मैं डाल दूंगी हल्दी, और टेस्ट के अनुसार नमक, बस और कुछ नहीं डालना है। और इसको ढक के रख दूंगी धीमे गैस पे, ये पकती रहेंगी। तो कभी सब्जी ना हो तो हरी मिर्च से काम चल जाता है, तो हम तो खा लेते हैं, छाछ के साथ दिन में अच्छी लगती है, और इनको भी मैं लंच में दे देती हूँ, तो एक अचार का ही काम करती हैं ये भी। तो बस ये ज़्यादा तीखी भी नहीं थी, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं इसको। अब इनको मैं धीमे गैस पे पकने के लिए रख दूंगी। तो बस मैंने इनको ढक के रख दिया था, और ये देखिए मेरा पूरा किचन फैल जाता है जब मैं कुछ बनाती हूँ तो, क्योंकि एक ही स्लेब है, इसी पे ही सारा काम करना होता है। तो मैं साथ के साथ ये साफ़ कर दूंगी, कपड़ा मार दूंगी इस पे, और बर्तन बहुत सारे हो गए थे क्योंकि बच्चे घर पे हैं, तो बस पानी वगैरह पीते हैं और सिंक में डाल देते हैं। तो ये देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बर्तन मांज दिए थे, अब मैं चेक कर रही हूँ अपना मिर्च और सब्जी को कि पकी है या नहीं। पक चुकी थी, धीमे गैस पे थोड़ी देर और रखूंगी बस इनको।
तो यहाँ मेरी सब्जी बन चुकी है, सूखी ही बनाई है और मिर्च भी हो चुकी है मेरी तैयार। तो बस अभी बनानी रहेगी है रोटी। सब्जी मेरी बन चुकी है और गर्मी है बहुत, और आज लाइट आ रही है, दिन में गई थी 2 घंटे के लिए लेकिन अब ठीक ठाक आ रही है। तो मैं गई थी कल मार्केट संडे को, क्योंकि संडे को ही इनकी छुट्टी होती है, तो इसी मौके का फ़ायदा मैंने उठा लिया। और कहीं ना कहीं सामान बहुत ज़रूरी था मुझे ये लाना, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं था। मैं सबसे पहले दिखाती हूँ, तो मैं ये लेके आई हूँ। एक तो डस्टबिन मेरे पास है लेकिन वो खुला हुआ है, उसका जो ढक्कन है उसमें ढक्कन नहीं है, तो चैरी बार बार उसके पास जाती है, तो मुझे ये ढक्कन वाला ही लाना पड़ा। तो ये रेड कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रेड कलर का ही लेके आई हूँ। दूसरा मैं लेके आई हूँ ये, इसकी भी ज़रूरत थी मुझे, टूट गया है पहला वाला, बेकार हो गया है, और ये लेके आई हूँ। ये मैं बाथरूम के लिए लेके आई हूँ, और भारी भी खूब है, चलने वाली चीज है, और मैं उसी दुकान से लेके आती हूँ ये सब, और खूब अच्छे से चल रहा है। और एक ये लेके आई हूँ किचन के लिए, क्योंकि है नहीं मेरे पास, तो सामान तो मुझे बहुत सा लाना था लेकिन अभी उसके पास, क्योंकि लॉकडाउन खुला है तो अभी वो जा नहीं पाए, पता नहीं क्या चक्कर था उनका, तो और चीज़ मैं बाद में लेके लाऊंगी। और ये है चाय छलनी, और मेरी जो चाय छलनी है वो आपने देखी हुई है, टूट चुकी है, और ये डबल तार की चाय छलनी है, तो अच्छी लगी मुझे, चलने वाली है, और ये चीज़ एक बार ही आती है तो इसमें प्राइस भी लिखा हुआ है, 96 रुपये का लिखा हुआ है, तो मुझे उसने 90 रुपये की दी थी। ये अच्छी चीज़ है, चलने वाली है, तो मैंने ले ली, मुझे अच्छी लगी है। और ये लेके आई हूँ कॉलिन, ख़त्म हो गया था तो, और ये लेके आई हूँ किचन के लिए, क्योंकि जो मेरी आपने देख रखी होगी जो किचन की जो नीचे वाली स्लेब है वो उस पर हो रखा है सीमेंट से फर्श हो रखा है उस पर, तो सारा निकलता जा रहा है, तो मैं इसको लगाऊंगी वहाँ पे। तो जो मेरा आखिरी का है वो है ये सूट जो मुझे इन्होंने दिलवाया है, और अच्छा लगा जाते ही दुकान पे, अच्छा लगा तो बहुत प्यारा लगा मुझे। तो ये देखिए, और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो खाली ये गले पे है। तो ये देखिए खाली गले पे है, और ये नीचे लेस लगी हुई है बस। और तो मुझे इसका जो प्रिंट है बहुत अच्छा लगा, और कलर भी प्यारा है इसका, और आप सब बताना कैसा है ये सूट। तो ये इन्हीं की पसंद है, तो ये देखिए मुझे तो प्यारा लगा ये। और इसकी जो चुन्नी है इसकी ऑरेंज कलर में, क्योंकि जो इस पे ये डिज़ाइन दिया हुआ है गले का, तो धागा दिया हुआ है यहाँ पे ऑरेंज कलर का, तो ये देखिए यहाँ पे धागा दिया हुआ है, और इसका जो बॉटम है वो भी ऑरेंज ही कलर में है, तो कलर कॉम्बिनेशन इसका मुझे अच्छा लगा। और आप बताना आपको कैसा लगा ये सूट, और मैं इसको कैसे सिलवाऊँ, प्लाजो में सिलवाऊँ या फिर पजामी में सिलवाऊँ या फिर पैंट में। फिलहाल मैं पैंट नहीं पहनती हूँ, एक बार मैंने सिलवाई थी तो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो प्लाजो या फिर लेगिंग इसकी चाहिए, ठीक लगेगी मुझे। और आप सब बताना, तो बताना कैसा लगा ये कलर कॉम्बिनेशन और ये सूट। तो चलिए अभी ये नहीं आए हैं तो रोटी सेकनी है, तो अभी सब्जी मेरी बन चुकी है, बर्तन वगैरह सब मैंने मांज दिए हैं, अब करूँगी प्रेस। तो अभी इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। आप सभी को मेरी ये छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट करके, और चलिए अभी इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।